Assalamu alaikum. Today's lecture is going to be about the blood vessels. Blood vessels were structures that are involved in the transportation of blood. There are three types of blood vessels present in the human body. Number one, arteries. Number two, capillaries. And number three is veins. Arteries, capillaries or veins ko samajhne ke liye ye ek diagram hai. इसमें आप देख सकते हैं ये रेड कलर की आर्टरी है, ब्लू कलर की वेन है और आर्टरीज और वेन्स के दरमियान जो लिंकेज है दिस इज बेसिकली कैपिलरीज। आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही हैं, इसीलिए इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वेयर एज वेन्स लेके जा रही हैं टुवर्ड्स द हार्ट, इसीलिए इसके अंदर होता है deoxygenated blood. First type of blood vessels जिसको हम discuss करेंगे वो है arteries. Arteries carry blood away from the heart. Heart से दूर लेके जाती हैं. All arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery and umbilical artery. Pulmonary artery और umbilical artery exception है. Otherwise all of the arteries carry oxygenated blood. It has three layers. Arteries तीन layers से बनी होती हैं. नंबर वन ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटरमोस्ट लेयर, ट्यूनिका मीडिया द मिडल लेयर एंड ट्यूनिका इंटिमा द इनर लेयर। इट इज इलास्टिक एंड पल्सिटेबल। आर्टरीज जो होती हैं इलास्टिक होती हैं और पल्सिटेबल हैं, यानी पल्स जो है उनसे सेंस की जा सकती है। आर्टरीज की तीन लेयर्स को समझने के लिए ये डायग्राम है। सबसे पहले है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, आउटर मोस्ट लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है सिंपली। देन देयर इज ट्यूनिका मीडिया द मिडल लेयर, इट कंप्राइजेज ऑफ द स्मूथ मसल एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना से बनी हुई है, स्मूथ मसल से बनी हुई है। देन द इनर मोस्ट लेयर द ट्यूनिका इंटिमा, एंडोथीलियम है इसके अंदर, सब एंडोथीलियम है और इंटरनल इलास्टिक लेमिना है। मीडिया के अंदर एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना था, इंटिमा के अंदर इंटरनल इलास्टिक लेमिना है। आर्टरीज के अंदर यूजुअली कोई वॉल्व्स नहीं होते, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं। एक है बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक और दूसरी है एओर्टा की बेस। यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंट इन देम, इनके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दे हैव थिक वॉल्व्स एंड स्मॉलर बोर, इनकी वॉल्व्स जो है बहुत थिक है और जो बोर है इसके अंदर वो स्मॉलर होता है। They are not involved in exchange of material. किसी भी किस्म के exchange of material में नहीं involved. Previously हमने बात की थी कि arteries जो होती है ना वो pulsatile होती हैं। एक common example उस artery की जो pulsatile है और जिससे normally pulse sense की जाती है ना वो है radial artery. The second type of blood vessels that we are going to discuss are veins. Veins carry blood towards heart. Heart की तरफ लेके जाती हैं। All of them carry deoxygenated blood. ज्यादातर veins, बल्कि सारी veins हमारे पास deoxygenated blood carry करती हैं। इसके अंदर भी दो exceptions हैं। एक है pulmonary vein और दूसरी है umbilical vein. They also have three layers. इनकी भी तीन layers हैं arteries की तरह। tunica adventitia, the outermost layer, tunica media, the middle layer, and tunica intima, the innermost layer. They are less elastic and non-pulsatile. आर्टरीज में हमने कहा पल्सिटेबल होती हैं, ये पल्सिटेबल नहीं है। आर्टरीज हमने कहा इलास्टिक होती हैं, ये लेस इलास्टिक हैं। यानी इलास्टिसिटी इनमें प्रेजेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू आर्टरीज इनकी इलास्टिसिटी कम होती है। वेन्स की तीन लेयर्स को भी समझने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे पहले ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, द आउटर मोस्ट लेयर। देन इज द स्मूथ मसल व्हिच कंप्राइजेस ऑफ द ट्यूनिका मीडिया। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी ट्यूनिका मीडिया में आ जाती है। फिर ये एंडोथीलियम है, ल्यूमेन है, वॉल्व है, ये सब आ जाएगा ट्यूनिका इंटिमा के अंदर। वेन्स के अंदर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। दे हैव लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लो होता है इनके अंदर, इसी वजह से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड पीछे की तरफ ट्रेवल ना करना शुरू हो जाए। दे हैव थिन वॉल्स एंड लार्ज बोर, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। आर्टरीज की वॉल्स थिक होती थी, उनके अंदर स्मॉलर बोर था, इनके अंदर
लार्जर बोर है, नॉट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। वेन्स और आर्टरीज दोनों भी किसी एक्सचेंज ऑफ मटीरियल में इन्वॉल्व नहीं है। द लास्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर कैपिलरीज। दे लिंक आर्टरीज विद वेन्स, वेन्स और आर्टरीज को आपस में लिंक करती हैं। दे हैव मिक्स्ड ब्लड, इनके अंदर मिक्स ब्लड प्रेजेंट होता है, ना ऑक्सीजनेटेड ना डीऑक्सीजनेटेड। दे हैव ओनली वन सेल थिक एंडोथीलियम, इनके अंदर कुछ ज्यादा लेयर्स नहीं है लेकिन इनके अंदर सिर्फ एंडोथीलियम प्रेजेंट है जो कि वन सेल थिक है। दे आर इनइलास्टिक एंड नॉन पल्सिटेबल, इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। आर्टरीज के अंदर बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी थी, वेन्स के अंदर कंपेरेटिवली लेस थी, वेन्स के अंदर जीरो इलास्टिसिटी और पल्सिटेबल भी नहीं है। दे हैव नो वॉल्स, इनके अंदर कोई वॉल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। देयर इज फॉलिंग प्रेशर इन देम, प्रेशर भी इनके अंदर फॉल कर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, लेकिन ये एक्सचेंज ऑफ मटीरियल अलाउ करती हैं, वेन्स और आर्टरीज दोनों नहीं करती थी। दे आर वन सेल थिक एंड हैव अ लार्जर बोर, बोर इनका बहुत लार्जर होता है और इनकी जो थिकनेस होती है वो सिर्फ वन सेल थिक है। ब्लड वेसल्स का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। डैश आर द ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल के लिए इन्वॉल्व्ड हैं? ऑप्शन ए इज आर्टरीज, ऑप्शन बी इज वेन्स, ऑप्शन सी इज कैपिलरीज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। सॉल्यूशन की बात करें तो कैपिलरीज इज द आंसर व्हिच मेक्स द सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन। ओनली कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, सिर्फ कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल में पार्टिसिपेट करती हैं। आर्टरीज एंड वेन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, आर्टरीज और वेन्स इन्वॉल्व्ड नहीं होती। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।